गाइस 2023 की पहली मॉर्निंग और विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और मैं और मम्मा सुबह सुबह इंजॉय कर रहे हैं अपनी एफ्रेश। सुबह नहीं हो रही एक्चुअली, दोपहर हो रही है। और नाश्ता पानी सब डन हो चुका है, नहाना धोना सब डन हो चुका है। और कल उनका बर्थडे मनाया था हमने, तो वो ब्लॉग आ जाएंगे, देख लेना आप सब। और फाइनली मैंने अपना 31 दिन में 31 वीडियो का चैलेंज पूरा कर दिया। इतनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। और अब नेक्स्ट टारगेट 365 डेज का नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ कि थोड़ा सा प्रेशर हो जाता, कई बार नहीं भी वीडियो आ पाती, तो इसलिए मेरी वीडियो कई बार 10-10 बजे भी आई हैं। बट अभी मैं इतना प्रेशर नहीं लूँगी, कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो आए, बट प्रॉमिस नहीं है कि डेली वीडियो आएगी। तो देखते हैं अभी डेली आएगी या एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी, या हफ्ते में एक दिन आएगी, या महीने में, नहीं महीने में तो नहीं, हफ्ते में एक दिन तो आएगी आएगी। और नया साल शुरू हो चुका है, पुराना साल पीछे छूट गया है। तो मैं वो ऐसे बोलते हैं ना कि साल के पहले दिन जो करो तो पूरे साल वही करते हैं, तो सच्ची है क्या ये बात? ऐसे कहते हैं ना, साल के पहले दिन जो करो तो पूरे साल वही करता है इंसान। तो इसलिए नए साल पे नहा धो के सुबह सुबह बैठ जाओ, जिस घूमने का शौक है वो घूमने निकल जाओ, पूरे साल घूमते रहो, पूरे साल घूमते रहो। पर ऐसा होता नहीं है, ये तो ऐसे बस कहने की बात है। हाँ देखो, मम्मा आती है 31 दिसंबर को उनके बर्थडे के लिए, फिर एक साल रुकती हैं, फिर अगले साल जाती हैं। तो अब नए साल पे यहाँ से जाती हैं तो रोज कैसे जाएंगी? जाती तो एक ही बार है ना, फिर अगले साल आएंगी, फिर अगले साल जाऊंगी। पता नहीं चलता कौन से साल में आती है, कौन से साल में जाती है, कुछ पर आती है एक साल, पर आती है एक साल। 22 में आई तो 23 में गई, 22 में आई तो 23 में गई, 21 में आई तो 22 में गई, 23 में आऊंगी तब 24 में जाऊंगी। अब 23 में जाएंगी, फिर 23 में वापस आएंगी, फिर 24 में जाएंगी। देखा क्या तगड़ी कैलकुलेशन लगाई है। चलो हम एफ्रेश एंजॉय करते हैं, मिलते हैं। एक मेहमान हमारा अब आया है, पार्टी खत्म हो गई, खत्म हो गई पार्टी, बलून फोड़ने आई। अब ये मेरे मामा की बेटी आई है, अब ये मम्मी के साथ घर जाएगी। ये देखो भाई, गांव से आने वाले मेहमानों का फायदा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लीटर लस्सी। क्या क्यों कर गिनती करी? एक बैग सिर्फ लस्सी का भर के आया है। और इसमें क्या है? व्हाट इज दिस? इसमें स्पेशल गुलदाना मामा के यहाँ का, इसका फेवरेट। एक बैग स्पेशल लाई है लस्सी भर के, बस ये लड़की आई तेर में भी इतना बोझ कौन है जितना तू बैग में ले आई है भर के। उठा तो लिया था नहीं, उठ लिया सोली गया है बीमारी। आधा गिलास दूध नहीं पिया जा इस पे, बकवास सारे चालू हो रहे हैं। ये हमारा सीधा ले आए 15 दिन पहले, बदला देखा, जो करोगे जो बोगे वही काटोगे। माँ ने हमारा सीधा दे दिया 1 तारीख को ही, माँ का भी सीधा आ गया 1 तारीख को ही। ये देखो बैग में भर के भतीजी लाई है सीधा, सही कहा है भाई, जैसे को तैसा। और हमारे मेहमान जा रहे हैं, बहुत सारी कैब्स और ऑटोज कैंसिल होने के बाद फाइनली एक ऑटो बहुत मुश्किल से मिला, वो भी इसलिए क्योंकि उसका ड्रॉप था यहाँ पे पास में, तो उन भैया ने एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट। आज वैसे भी न्यू ईयर है, पता नहीं दुनिया कहाँ घूम रही है, इसलिए सारे ऑटो कैब्स सब रैपिडो ओला उबर तीनों ऐप से कितनी देर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई ऑटो कैब कुछ भी नहीं मिल रहा था। ठंड, दिन में ठंड नहीं थी आज बिल्कुल भी, अब हो गई ठंड, ठंड है इसको देखो, इसे दुनिया से ज्यादा ठंड खा रही है, इसको ठंड चढ़ गई है। अभी बस हम फटाफट काम निपटा के और सो जाएंगे, क्योंकि 2 रातें हो गई और ढंग से सोए नहीं है। पहले इनको विदा करते हैं मेहमानों को, उसके बाद काम निपटाएंगे फटाफट और सो जाएंगे। आज तो 9-10 बजे ही, हवा लगे ना लगे, कैब तो मिल नहीं रही, ऑटो मिला चले जाओ चुपचाप बैठ के, जो मिला उसमें। तीन भैया 8089 दोनों बुआ भतीजी बैठो और बाजी चली जाओ, बाजी चली जाओ, बाजी नहीं ऑटो में बैठ के जाऊंगी।
हवा नहीं लगेगी, एक कर्टेंस डाल लो, पैर उधर कर लेना। बाय। फोन वोन रख लिया ना? सब चले गए हैं, अंकुर मम्मी अभी गए हैं और मेरा भाई सीधा क्लास चला गया था यहाँ से, और पापा सुबह ही चले गए थे। अभी तक भी ये स्वेटर नहीं पहनती थी ढंग से, कहती थी बहुत ठंड है, और अब देख लो दो दो पहन के घूम रही है। टाइम टाइम की बात है, जिंदगी में ना पहली बार कल रात ना पता लगा कि ठंड के चीज है। हाय और जाड़ी बज रही, वो कहेगा ना जाड़ी बज रही साडे में, वो लिटरली वो वाला हाल होता है। बेचारे की ठंड लगती, कल दवाई दिला के लाऊं तेरे को। चार गोलियां खा चुकी है ये, हमारे नमूने दोनों, इनका कार्टून ही चलता रहता है। कुछ और भी कर लिया करो टीवी देखने के अलावा। बैलून से खेल रहे थे, अब क्यों नहीं खेल रहे? नोनू तुमने वॉच पहनी हुई है अपनी? नोनू ने उतारी नहीं, रात दिखा, लाइट भी जलती है। लाइट भी जलती है इसमें, दिख नहीं रही लेकिन लाइट, ये देखो अब दिखेगी, जला ये, वाओ लाइट भी जलती है, अच्छी वॉच है ये तो। हटो इसमें ना टाइम, तीन मिनट पीछे चलता है। सेट कर लो इसको, मुझे नहीं आती, सेट कर लो। अभी मैं देखती हूँ कैसे सेट होएगी। 521 हुआ है, बन गया। और ये देखो मरीज फीवर हो गया इसको बेचारी को, 101। कह रही हूँ इसको मैं, जा चली जा दवाई खा के सो जा, पर मन नहीं कर रहा इसका जाने का। चाचू को खाना खिला के जाऊंगे। हाँ क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो बैठ के? ये देखो इसकी यहाँ पे, इसका हेलीकॉप्टर का ये रनवे है, ये तुम्हारे हेलीकॉप्टर का रनवे है, लो लेके जाओ। अच्छा लेके जाओ, ले आओ ले आओ। इतनी आगे कुएं फंस जाएगा वो। ये रनवे है इसका, ये टेबल के चारों तरफ चक्कर कटवाता है इसको अपने हेलीकॉप्टर, उल्टा पकड़ रखा है हेलीकॉप्टर। सीधा तो पकड़ ले इसको, सीधा तो पकड़ ले, ये तो उल्टा है। ड्राइवर की तो तुमने मुंडी पकड़ रखी है, है ड्राइवर की तो तुमने गर्दन पकड़ रखी है, और हेलीकॉप्टर चल रहा है तुम्हारा। सर में दर्द हो रहा है इसके, बुखार चढ़ रहा है, और फोन देखना नहीं छोड़ रही। लेकिन मैं देख रही हूँ मम्मा कहाँ पहुंची। अच्छा लाइव ट्रैक कर रही है। क्या बेटा? ठीक है, पहले तो मैं खाऊंगी बेटा दवाई। इसको भी कोल्ड हो रखा, कह रहा मम्मा मुझे ऊपर जाके दवाई खिला देना। आज कोई नहीं खाएगा, आज कोई दवाई नहीं खाएगा, आज ये खाएगी। इसको ही ठंड लग रही है, इसको ही सब कुछ हो रहा है, बहुत काम कर लिया बेचारी ने, बीमार पड़ेगी। अब 2-3 दिन छुट्टी में रेस्ट करेगी ये, है ना? कितने दिन रेस्ट करेगी अब? जब तक नोनू की छुट्टी है जब तक अब ये रेस्ट करेगी। बहाना बहाना मिल गया, ठीक हो जाएगी जब भी कहेगी मैं बीमार हूँ। काम खत्म करके हम आ गए हैं ऊपर, और ये देखो कल के बिस्तर, नीचे बिस्तर लगा हुआ था, यहीं लगे हुए हैं अभी तक। बस ये खेल है इसके, सारी गाड़ियों से खेलता रहेगा ऐसे लाइनें लगा लगा के। तुम्हें नींद आ रही थी नीचे, अब नींद नहीं आ रही? आओ सुला दूँ, इधर आओ मेरे पास कंबल में बैठ के सोएंगे। अभी नीचे इसने नाक में दम किया हुआ था कि सुला दो सुला दो सुला दो, और अब ये सोने का नाम नहीं ले रहा। आज हम कितनी जल्दी ऊपर आ गए पता है? देखो 8:14 हुए हैं अभी, और हमें खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि हम इतनी जल्दी काम खत्म करके ऊपर आ गए। तो अभी हमारे पास आज थोड़ा टाइम है, तो हम थोड़े से गप्पे शप्पे मारेंगे। और आज ये कह रही है मैं रजाई में सोऊंगी, नहीं तो ये कभी रजाई में नहीं सोती, हमेशा कंबल में सोती है। कितनी ठंड हो कितनी ही, हमेशा कंबल में सोती है, और आज रजाई लेके बैठी है और शॉल ओढ़ के बैठी है। इसको आज इतनी ठंड लग रही है बेचारी के, ठंड चढ़ गई। खाली दवाई अब चल, खाली खाली तुमने भी? मैं खाता नहीं हूँ, मैं पीता हूँ। ये खाता नहीं है, ये पीता है दवाई। रात को एक ब्लैंकेट, एक शॉल, और एक ऊपर से ये रजाई। इतनी ठंड लग रही थी तुझे? स्वेटर पहन के सोई मैं, और साथ में गर्म पानी की बोतल। अच्छा 2-4 रजाई डाल लेती कंबल में।
तो बेचारी हमारी नीतू आज पड़ गई है बीमार। कोई ना, अभी हम थोड़े गप्पे शप्पे मारेंगे तो इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाएगी। तो इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।